अगर आप फेसबुक पर फेसबुक के पेज, फेसबुक के ग्रुप या फेसबुक पर ही वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और आप उस पर थम्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल या पोल वगैरह लगाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि ये सब कैसे लगाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम फेसबुक पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं या मोबाइल से करते हैं या विंडो से करते हैं, तो अधिकतर क्या होता है, हम फेसबुक में लॉगिन करते हैं और उसके होम पेज पर आने के बाद जो हमारा अकाउंट है वहाँ जाकर हम फोटो जब सिलेक्ट करते हैं तो हम पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, वहीं से हम वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं और कुछ टाइटल डाल देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम नहीं डाल पाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि उस पर डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है और टाइटल क्या देना है और क्या हमें उस पर थम्स लगा सकते हैं, जो कि कस्टम थम्स होता है। आप कोई भी थम्स लगाना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मली नहीं लगा पाते हैं आप, तो वो आप कैसे लगा पाएंगे, ये चीज़ों को कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। पोल्स वगैरह है वो नहीं डाल सकते आप, अब वहाँ पर आप कैप्शन वगैरह नहीं दे सकते, ये ऑटो जनरेट होता है, तो वो कैसे आप सब कुछ सेट कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पेज पर या आप ग्रुप में जिसमें भी चाहते हैं आप अपलोड करेंगे, और वीडियो अपलोड करने का प्रॉपर तरीका क्या है और फेसबुक पर कैसे अपलोड करना चाहिए। अगर आपने पेज बना रखा है या आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो उस पर आपको जब वीडियो अपलोड करना होता है तो एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फेसबुक पर ही जाकर आप करते हैं, तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा आपको कहाँ से जाकर वीडियो अपलोड करना है अपने पेज और ग्रुप पर। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ सुमेंद्र मौर्य और आप हमारे चैनल पर नया आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने एक कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर है, चाहे क्रोम है या मोजिला है, उसको ओपन कर लीजिए। जब आप उसे ओपन कर लेंगे तो इस तरह से आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होगी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्या चाहिए, एग्जाम्पल तौर पर आपको अगर एक वीडियो अपलोड करना है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो की क्लिप चाहिए आपको, और दूसरा थम्स, आप जो थम्स लगाना चाहते हैं तो थम्स भी आपको चाहिए होगा, जो कि आपको साइज़ नहीं पता है तो मेरे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपको थम्स का क्या साइज़ रखना है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और आपको साथ ही चाहिए टेक्स्ट चाहिए, टाइटल चाहिए और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो ये चीज़ें मैंने सब ऑलरेडी कंप्लीट करके रख रखी है। और इसके लिए आपको मैं बता दूँ, जब भी आप वीडियो डालेंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से ही कंप्लीट रखनी होंगी, तभी आप एक प्रॉपर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये चीज़ें हो गई, अब हम चलते हैं मेन ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आ गए तो सर्च पे आपको टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है फेसबुक। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे फेसबुक और यहाँ पर स्टूडियो, ठीक है, आपको ये टाइप करने के बाद एंटर जब करेंगे और आपको यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जब आप आ जाएंगे यहाँ पर फेसबुक के मेन क्रिएटर स्टूडियो पर, जब आप फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर पेज बना रखा है उस नाम से आपको पेज दिख जाएगा। तो जैसे कि मेरा आपको फेसबुक पर सुमेंद्र मौर्य SM चैनल समथिंग टैग समथिंग न्यू नाम से आपको ये पेज मिल जाएगा, और यहाँ पर जो मैंने वीडियो डाले हैं या आप जो वीडियो डालेंगे वो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देंगे। तो जो रिसेंट वीडियो मेरे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आप अगर बाकी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको कैली का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप यहाँ पर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है, बाकी चीज़ें आपको हैं इसके लिए आपको मैं कभी बताऊँगा, और इसके लिए आज मैं बता रहा हूँ जो वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो लाइव का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अगर सिंगल वीडियो यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो सिंगल वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टी वीडियो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं एक साथ कई वीडियो तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेज, तो यहाँ पर आपको अपने पेज के अनुसार करना चाहते हैं पोस्ट को तो वो भी कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली अभी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं सिंगल वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर सिंगल वीडियो पर क्लिक करूँगा तो आपको इस तरह से यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और इसमें आपकी जहाँ भी वीडियो की लोकेशन है आपको वहाँ पर चले जाना है। तो जैसे कि नॉर्मली मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रख रखा है, यहाँ पर नॉर्मली मैंने डेस्कटॉप पर रख रखा है, और आपको यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ये फाइल बना रखी है फेसबुक वीडियो अपलोड, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जो आपका वीडियो है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बहुत सारे वीडियो तो आपको नाम देख लेना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया और ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस होते हुए दिखाई दे जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पर इस तरह से कुछ पेज खुल जाएगा आपका, जब वीडियो आप यहाँ पर अपलोड लगाना शुरू करेंगे। जब फ्रेंड आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो जैसे कि आपका यहाँ टाइटल दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और टैक्स डालना है। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया है पहले से ही आपको सारी चीज़ें नोट्स करके रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड दिख रहा होगा, यहाँ पर डाउनलोडिंग चल रही है, डाउनलोड हो रहा है। तो इसके लिए जैसे कि हमने फाइल बना रखी थी फेसबुक वीडियो अपलोड की सारी फाइलें, तो हमने यहाँ से वीडियो तो ले लिया, अब थंब्स कब लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले आपको यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना, इन दोनों फाइलों को खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको टाइटल लेना है, तो आपका जो भी टाइटल है आपको टाइटल ले लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल ले रखा है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको वहीं पेज पर चले जाना है और इसके बाद टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है टाइटल में, ठीक है। जब आप टाइटल पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, वो भी हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसे कंट्रोल ए कर देता हूँ और यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसी पेज पर जाना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में राइट क्लिक करना है, उसके बाद इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब आप इसे भी पेस्ट कर देंगे तो आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पर हैशटैग आपको पहले तैयार कर लेना है इसी तरह से किसी भी वीडियो का, और नीचे की तरफ आ जाना है। अब आ गया टैग्स, तो अब टैग्स कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको जाना है, और यहाँ पर मैंने टैग्स की भी फाइल ओपन कर रखी है। इस तरह से आप टैग्स लिख लेंगे। अगर आपको नहीं है पता है कि किस तरह से टैग्स लिखे जाते हैं और किस तरह से आप नए टैग्स को एक साथ बहुत सारे टैग्स कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे आप उसे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा ऊपर आई कार्ड में, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल ए करना है जो मैंने लिख रखे हैं, और उसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसे वहीं पर आ जा रहा हूँ इसी पेज पर, हमारे जो फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो में, और यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। जब आप इसे पेस्ट कर देंगे तो इसके बाद आप ऊपर के लिए स्क्रॉल करके एक बार देख लेंगे जो आपका टाइटल है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो भर गया नहीं भर गया, और जो टैक्स वगैरह हैं वो आपके आ गए नहीं आ गए। तो ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बाकी आप अपने अनुसार यहाँ पर चेक इन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपकी करने की कोई जरूरत नहीं है। और सेकंड ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो थम्स पर, साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर क्रिएट पोस्ट का पब्लिश, तो इसमें हम बाद में जाएंगे। यहाँ पर आपको थम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कस्टम थम्स मिल जाएंगे, तो कस्टम थम्स मिल जाएंगे तो उनको आपको क्या करना है, अगर आप वही रखना चाहते हैं तो वही रख सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करना है। तो जब आप ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम थंब्स लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर ऐसे ही फिर से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जो जहाँ पर आपने लोकेशन पर रख रखा है उसी पर आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे फेसबुक अपलोड वीडियो पर मैंने रखा था, यहाँ पर जो वीडियो क्लिप थी वो हो गई। अब आपको जो यहाँ पर जो थंब्स लगाना है वो थंब्स ये दिख रहा है, और आपको इस पर क्लिक करना है और ओपन कर देना है। जब आप क्लिक के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपने कस्टम थंब्स है वो लग जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो फ्रेम देना है तो आप नीचे दे सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। तो यहाँ पर आपको सबटाइटल्स एंड कैप्शन का ऑप्शन है, तो इस पर आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑटो जनरेट कैप्शन है वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप से यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज ले सकते हैं जो भी चाहें आप, इंग्लिश कर रखी है मैंने, और ऑटो जनरेट का ऑप्शन हो रखा है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपने यहाँ पर कैप्शन पहले से ही लिख रखा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो फाइल बना रखी है आपको अपलोड के ऑप्शन पे जाना है, और वहाँ से अपलोड की फाइल लोकेशन लेके यहाँ पर अपलोड पर कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। आप चाहते हैं यहाँ डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कैप्शन, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑटो जनरेट कर दिया, जो मैं बोलूँगा तो वो ऑटो जनरेट इसे करता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली सेटिंग में आना है। यहाँ पर नीचे पोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन के क्लिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर पोल पर क्लिक कर देना, तो पोल का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप पोल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपने वीडियो के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट पोल पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोल स्टार्टिंग में लगाना है या लास्ट में लगाना है वो आप लोकेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन साइड में आस्क ए क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो वीडियो रिलेटिव है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके रिलेटिव में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है डाउनलोड योर अपलोड यूट्यूब वीडियो कैसा लगा, तो आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन वन ऑप्शन टू है, तो आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं आपको कैसा लगा, गुड भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ सेकंड लिखना चाहते हैं वेरी गुड,
तो यहाँ पर आप वेरी गुड भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी तीसरा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉट गुड भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप चाहते हैं यहाँ पर और भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम मिल जाएगा, स्टार्ट टाइम कितने से कितने सेकंड रखना है या मिनट में रखना है, वो आप सब दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने जो पोल लगाया है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इस तरह से आप लिख देंगे, उसके बाद आप डन कर देंगे। अगर और ऐड करना चाहते हैं पोल तो वो भी कर सकते हैं, तो इसी तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद आपको डन कर देना है तो आप ट्रैकिंग के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कस्टम लेवल मिल जाता है। यहाँ पर आप कैटेगरी, एम्प्लॉयज नेम, वीडियो टाइप यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो चाहे कैटेगरी लेवल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर 360 डायरेक्टर टूल्स, तो इसका काम क्या होता है, जो आपने वीडियो अपलोड किया है अगर आप चाहते हैं वो 360 डिग्री पर आपके मोड में दिखाई दे वीडियो चले, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे तो 360 डिग्री में देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। तो इसको आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप नॉर्मल मोड में रहने दें, इसको हटा दें यहाँ से, और आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको वीडियो सेटिंग में ही आ जाना है। यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो कम्प्लीट डाउनलोड 100% हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे भी नेक्स्ट करेंगे तब भी आप पब्लिश पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी देख मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप नेक्स्ट भी करेंगे तब भी आ जाएंगे, तो नेक्स्ट में आपको करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस तरह से व्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको चूज़ हाउ द पब्लिश योर पोस्ट, तो पब्लिश आपको करनी है पोस्ट नहीं करनी है, या जो भी आप शेड्यूल्स के रखना चाहते हैं, बैक डेट रखना चाहते हैं, सेव करके डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जैसे कि आपका जो चूज़ वेयर योर पोस्ट विल अपेयर, तो यहाँ पर आपको न्यूज फीड में सिलेक्ट करना है, जैसे आपने अपलोड हो वीडियो आपको न्यूज फीड में आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। डिस्प्ले इन बाज सारे ऑप्शन हैं, इसको आप देख लीजिएगा, अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। बाकी आपका कोई अपना पर्सनल पेज है तो उस पर भी आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपकी ये पोस्ट डायरेक्टली शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो उस पर कर दीजिए क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो मॉडर्न और यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है वो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं आप पढ़ के, बाकी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और साइड में आपको यहाँ पर बिफोर यू पब्लिश करने से पहले कुछ चीज़ें आपको वीडियो जो है वो सारी चीज़ें आपको ये चीज़ों को फॉलो जरूर करना है। यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैक्स वगैरह, वीडियो की क्वालिटी सारे इसके बारे में आपको यहाँ गाइड किया गया है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे पब्लिश करना है तो यहाँ से आप पब्लिश पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसे इस तरह से आप थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका वीडियो है वो डायरेक्टली पब्लिश करने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस मांगेगा, ये फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद आपका जो वीडियो है वो लगभग यहाँ पर शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके जो वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वो पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे आप पब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद आपका जो वीडियो है वो इस तरह से दिख जाएगा। तो आप फाइनली आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो अपने फेसबुक अकाउंट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा और डायरेक्टली आप वहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से भी आप अपना सारा व्यू देख पाएंगे, यहाँ से आपकी पोस्ट कितनी पब्लिश हो रही है, कितने वीडियो कितने लोगों ने देखा है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ वीडियो मेरे दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो वीडियो है अपने वो सब कुछ देख सकते थे, यहाँ पर फाइनली आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।